स्वागत है आप दोनों का इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। कब से ये प्लानिंग कब से चल रही थी बारकोड वेब सीरीज से जुड़ने की, थोड़ा इस वेब सीरीज के बारे में बताइए। यार बारकोड तकरीबन मुझे इट्स बीन लाइक अराउंड दो साल हो गए, मुझे एटलीस्ट टू लाइक आई मेट विघ्नेश अराउंड टू एंड हाफ ईयर्स बैक। मैं ऐसी मीटिंग के लिए गया था, क्योंकि अभिषेक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं अभिषेक से बात कर रहा था उस टाइम पे कि यू नो अभिषेक वाज लाइक क्या कर रहा है तू, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ एंड यू नो वर्क वाइज। आई वाज लाइक आई एम जस्ट फिगरिंग आउट यू नो, अच्छा काम देख रहे हैं क्या है। सो ही सेड यू नो जस्ट कम, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई डोंट नो इफ यू वांट टू डू इट बिकॉज इट्स फॉर द वेब, बट आप आइए, आप मेरे डायरेक्टर से मिल लो एक बार। सो आई जस्ट वेंट, मैं गया विघ्नेश से मिलने एंड आई जस्ट वेंट इन माई नॉर्मल घर का क्लोथ्स। तो मुझे था कि शायद मुझे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, मैं चला जाता हूँ। एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट आई वाज वेयरिंग एंड द काइंड ऑफ मूड प्रॉब्लम मैं जिस मूड में था उस टाइम पे, एक्चुअली टोल्ड आई वाज टोल्ड लेटर ऑन बाय विघ्नेश कि ही गेव मी द शो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ थिंग्स जो मेरा कैरेक्टर विकी है वो शो में है। तो जब मैं बारकोड से जुड़ा था तो मैं उस टाइम पे एक्चुअली आई वाजंट डूइंग मच एक्टिंग वाइज, मैं बहुत एंकरिंग कर रहा था टेलीविजन पे, तो मेरे पास एक्टिंग का स्कोप था, टाइम था मेरे पास एक्टिंग को देने का। जब मैं बारकोड शूट कर रहा था, बिकॉज बारकोड हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली यू नो, बहुत टाइम में हम ब्रेक्स में शूट कर रहे थे क्योंकि सबकी डेट्स मैनेज करनी थी। आई वॉज डूइंग सो मैनी थिंग्स टुगेदर, तो मैंने वही मैंने अभी किसी को इंटरव्यू में वही बोला कि एक सिमिलैरिटी जो मेरे और मेरे कैरेक्टर में जो मुझे ऐसा लगता है मुझे बेनिफिट हुआ वो ये था कि आई वाज वर्किंग टू मच, सो आई वाज वर्कड अप ऑल द टाइम। तो मैं मतलब इवन व्हेन ही यूज्ड टू कम फॉर बारकोड शूट के लिए भी दैट वाज आल्सो लाइक मुझे अब इसके बाद कहीं और जाना है, मुझे 7 बजे तक पहुँचना ही पहुँचना है, ये वाला खत्म करो, ही ऑल द टाइम लाइक दिस आई वाज वर्किंग। तो आई थिंक बट इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यू नो गॉट टू वर्क विद न्यू पीपल, got to do something new, और जब आपका काम you know ख़त्म हो जाता है, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड बिकॉज जब आपको इतना मज़ा आता है काम करने में ना, तो आई थिंक वो दिखता है और वो आई एम श्योर दिखेगा। And how was your experience to working with Karan? Is he a chocolate boy and a cute boy as we saying inside? So before ये web series बाहर आती और जिसपे मैंने काम अभी किया है, करण को मैं पहले से जानती हूँ, लाइक 2 साल और पहले से जानती हूँ। वी भी करण को सब जानते हैं, कौन करण को नहीं जानता, बात ही है। करण सबका दोस्त है, बहुत दोस्त आदमी है। नहीं, जब हम दोनों एक जिम में भी वर्कआउट करते हैं और हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, एंड जैसे जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम कास्टेड फॉर मिनास, मुझे पहले से पता था कि करण विक्की कर रहा है एंड अक्षय साहिल कर रहा है और देयर इज वन अदर गर्ल सिमरन, शी इज प्लेइंग रिया। सो आई वॉज हैप्पी, यू नो एक और अच्छा लगता है जब आप अपने एक दोस्त के साथ काम करते हैं, एक कम्फर्ट लेवल और हो जाता है। और हम दोनों का रिलेशनशिप जो दिखाया गया है, विच इज़ 5 साल का लिविंग रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब, विच इज़ वेरी नेचुरल जो होता है, तो सबसे मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था टू वर्क अराउंड एंड वर्क विद करण। सो दैट वॉज रियली लाइक हेल्पफुल, बिकॉज ऐसे भी सीन्स हैं जो थोड़ा सा मैं आई थिंक अनकम्फर्टेबल होती करते हैं, बट that was like the demand from the script, so I worked it out. So Karan, do you like to like night party and party animal? Are you party animal? यार मैं ना मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने parties नहीं की हैं, but मैं ना आई थिंक अब मैं उस एज से निकल थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ कि मैं दैट आई नॉट कॉल माई सेल्फ अ पार्टी एनिमल, क्योंकि यू नो यूजली क्या होता है जब आप एक एज ब्रैकेट होता है आपकी लाइफ में जब आप सिर्फ पार्टीज करते हो, क्योंकि यू नो आपका आपकी बॉडी भी गिव अप नहीं करती है, और आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मेंटल थॉट प्रोसेस। आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, आई एम पार्टी एनिमल, बट आई थिंक माई पार्टीज फ्रॉम क्लब्स हैव शिफ्टेड टू माई हाउस, तो मेरा जो घर है वो मेरे दोस्तों के लिए इट्स द प्लेस टू बी, आई विल कॉल इट देयर यू नो देयर सेफ जोन, देयर सेफ हाउस। तो हमारी अब पार्टीज आर नॉट अबाउट mad music, it's about good conversations. Good. No, it's not about like, it's not about you know ki hum gaane matlab aisa full you know full volume pe haan matlab full volume pe matlab aisa koi gaane mere ghar pe nahi chalte hain. Now it's more about like you know music chalta hai, baatein hoti hain, kabhi hum films dekh rahe hote hain, kabhi hum kuch na kuch karte rehte hain. So I think no longer a party anymore.